3 मंथ्स के बाद मेरा फाइनल स्टार्ट होने वाला है और अभी तक मेरा आधा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। स्टार्टिंग के कुछ 4 मंथ्स में मेरे अभी तक 4 से 5 चैप्टर हुए हैं एंड वो भी अच्छे से नहीं हुए। नाउ अब 3 मंथ्स रह गए हैं, अब हम उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट के 3 मंथ्स बच गए हैं एंड सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है 3 मंथ्स की, जिसमें अपना मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मैं बिना प्लानिंग के अपना सिलेबस कंप्लीट करता तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। सो मैं हमेशा अपनी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। सो मैंने 31 अक्टूबर से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। फिजिक्स से लेके बायो तक मेरा ऐसे ही दिन चला जाता और हर रोज़ मैं ऐसे फॉलो करता। आज 5 नवंबर है तो मैंने सोचा कि मैं नया टाइम टेबल बना लेता हूँ ताकि जो लोग मेरा टाइम टेबल मांग रहे थे वो इसे अच्छे से फॉलो कर सके। देखो यार, सबका अपना अलग अलग हिसाब है, कोई कैसे बनाता है अपना टाइम टेबल, कोई कैसे बनाता है, तो तुम इस टाइम टेबल से अपना एक आइडिया ले सकते हो कि हम अपना कैसे बनाएं, तो अपने हिसाब से तुम फिक्स कर सकते हो। बट रिविजन मस्ट रखना कि हमें रिविजन करनी है हर चैप्टर के बाद, क्योंकि जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना इसमें मैंने अपने रिवीजन का भी डाला हुआ है। बहुत बड़े रिवीजन डाली हुई है कि 6 से 7 बार तो हो गए होगा ऑलमोस्ट, एंड एग्जाम से पहले के दिन भी। मैंने अपने टाइम टेबल में काफ़ी दिन दिए हैं चैप्टर्स को कि मैं अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा क्वेश्चंस के भी, और उसका जो टॉपिक्स वाइज कंसेप्ट होता है उसको भी रिवाइज कर लूँगा। जैसे कि फिजिक्स में हमारा लॉज ऑफ मोशन हो गया और ग्रेविटेशन है, तो दोनों रिलेटेड चैप्टर, तो मैंने दोनों को एक साथ दिया है और ये काफ़ी दिन दिए हैं, मतलब कि हाँ 10 दिन ऑलमोस्ट तो दिए ही हैं। एंड उसके बाद मैंने चैप्टर 1 वही स्टार्टिंग से रिवीजन, इसमें मैंने रिवीजन अपनी अच्छे से कर रखी है। जैसे कि मैंने वापस यहाँ पे कर दिया लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, देन वापस से मैंने एक रिवीजन के लिए इसका दिन रख दिया और ग्रेविटेशन का भी ऐसे। फिर यहाँ पर ग्रेविटेशन खत्म हो गया था रिवीजन, तो यहाँ पर मैंने वापस इसकी रिवीजन कर दी, उसके बाद वापस उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, तो मेरा पूरा इसमें रिवीजन चलता जाता है ऐसे। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पर जाके ले सकता है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे थे कि वो बोलते हैं कि ना हमसे नहीं हो पाता जो हम टाइम टेबल बनाते हैं। भाई देखो, टाइम लगता है, तुम उसे हर रोज़ फॉलो करो, हैबिट में लाओ अपनी, तो अपना आप होने लगेगा, तो उसको एक हैबिट में लाओ। डेली अपना एक टारगेट रख लो कि मुझे इतना करना है तो करना है। अब जो हमने ये मंथ का टाइम टेबल बनाया है ना, पूरे मंथ का, 3 मंथ्स का, बट हमें इसको ना हर रोज़ लिखना पड़ेगा एक पेज पे कि मुझे आज इतना टारगेट करना है तो करना है। टारगेट लिखने के बाद तुम उसको वॉल पे पेस्ट कर दो ताकि तुम्हारी आंखों के सामने रहे और तुम्हें दिखे कि तुम्हें कितना टारगेट आज का करना है। शायद ये सबके लिए रिलेटेबल होगा। भाई यार देखो, स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ जितने भी हमारे गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चैप्टर हुए हैं, एंड हम यार अब खाली लास्ट के 3 मंथ बच गए हैं उसमें हम इतना भगदड़ कर रहे हैं। बट कोई नहीं, अब हम करना चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज 3 मंथ्स हैं हमारे पास। मैंने रिसेंटली अपने वॉल पे एक स्टाइबिट्स का लोगो बनाया था और ये मेरे फादर ने बनाया, डिज़ाइन भी फादर ने करा अपने आप से, बट मुझे इसका बी अच्छा नहीं लगा यार। पर्पल भी डालो इसमें, वैसे अच्छा लग रहा है, 3D लुक आ जाएगा। पर्पल लग के देखते हैं, नो मिक्स इट। जो पेक में लोगो बनाया था उससे तो बहुत ही गंदा लग रहा है। बी कहते रहे एक ही पे क्यों फोकस जा रहा है, तो एक पे जा रहा है ना, एक वो चीज नहीं नोट कर रहा कि ये पूरा का पूरा मेथड पूरा तो अच्छा लग रहा है, बी की वजह से सब गंदा लग रहा है। पहले बी वाला इतना अच्छा था पिक में जो दिखा रहा था, वो मैंने इस करके हटा दिया कि यहां से अंदर मेरी बात, ये रहा इतना अच्छा, सुन तो ले, ये इसके अंदर से गया हुआ है। क्या गया? बकवास बकवास कर रहा है। अब देखते हैं यार कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा स्टाइबिट्स। बाकी मुझे एंड में बहुत अच्छा लगा था जब बन गया था, बीच में अच्छा नहीं लगा था कि जब मुझे बी की लुक आ रही थी, फिर पापा ने उसको फिनिशिंग करी तब जाकर अच्छा लगा। एंड थैंक यू गाइस कि आप सभी ने मुझे सपोर्ट करा, जिस हिसाब से मैंने वहाँ पर स्टैंड लिया था कि जब सर चीटिंग करा रहे थे अपनी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दूसरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसके लिए वेट करना। ऑल्सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड दूसरे वाले चैनल को भी कर देना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आ गया ये मेरा मास्क को तो मैं लेके जाऊंगा, हमें होगी, इट्स इम्पोर्टेंट।